क्या राजभक्त अक्रूर से आपने यही आशा की है? यही आशा की है कि वो अपने राजकुमार कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल देगा, उसे कंस के हवाले कर देगा कि लो भैया लो इसकी हत्या कर दो। अभी जो हमने कहा वो हमारी योजना का आधा ही हिस्सा है, बलराम को बचाना, और योजना का बाकी आधा हिस्सा है कृष्ण को बचाना, कृष्ण को बचाना। माफी चाहूंगा भाभी, वो गुप्त योजना मैं अभी आपको नहीं बता सकता, परंतु हमारी योजना ऐसी है जिससे न वसुदेव जी पर आंच आएगी और न ही गोकुल तहस नहस होगा, फिर भी हमारा कृष्ण उस सालिम कंस के हाथों से बच निकलेगा, बच निकलेगा। मेरे लिए जो घृणा इस समय आपके मन में है भाभी वो स्वाभाविक है, परंतु आंसुओं से योजनाएं सफल नहीं होती, योजनाओं की सफलता के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है भाभी, धैर्य की आवश्यकता। अब धैर्य कैसा, कैसा धैर्य? जिसका बच्चा बचा रहे हो उसे धैर्य रखने को कहो, जिसके बच्चे को स्वयं मौत के मुंह में डाले जा रहे हो वो धैर्य कैसे रखे, कैसे रखे वो धैर्य? क्या राजभक्त अक्रूर से आपने यही आशा की है? यही आशा की है कि वो अपने राजकुमार कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल देगा, उसे कंस के हवाले कर देगा कि लो भैया लो इसकी हत्या कर दो। नहीं नहीं भाभी नहीं, अक्रूर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। यदि वो सच्चा राजभक्त है तो विश्वास रखिए भाभी, कृष्ण के ऊपर कोई भी आंच आने से पहले स्वयं अक्रूर मर चुका होगा।